गुड मॉर्निंग फार्मर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। थ्योरेटिकल जो कीरा के बारे में सुना था और प्रैक्टिकल करके देखा, दोनों में डिफरेंस तो है। आज उसी डिफरेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सी, देयर इज अ लॉट्स ऑफ फार्मर्स आर डूइंग द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर द शॉपकीपर टोल्ड एंड एडवाइस टू द फार्मर। बट हमें अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे पहले हमें खुद एज अ फार्मर अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों से। एटलीस्ट हम लोगों को ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारी फसल में वास्तव में क्या परेशानी है, किस तरह की कमी हमें दिख रही है। अगर ये नहीं कर पाते तो शायद हम एक अच्छा जो है उत्पादन नहीं ले पाएंगे। सी, देयर इज अ साइज ऑफ खीरा थोड़ा अनबैलेंस दिख रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। हमें इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी अगर खीरे की रहेगी तो ऑब्वियसली जो मंडी रेट है वो भी हमें अच्छे मिलेंगे। तो क्वालिटी के ऊपर चर्चा करेंगे आज। हम आज का जो टॉपिक है वो कैसे हम क्वालिटी को एनहेंस करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होता क्या है, जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होती है इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, और फॉर दैट हम लोगों को ट्रैप लगानी पड़ती है फ्रूट फ्लाई की। सीधे ट्रैप यहाँ पर लगी हुई है हमारे यहाँ, इस तरह की ट्रैप हमें लगानी पड़ती है ताकि हम फ्रूट फ्लाई को कवर अप कर सकें। फ्रूट फ्लाई होता है, एक्चुअली होता क्या है, ये इन जो फ्रूट है उनके ऊपर बैठता है और उसको डंक मारता है, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो साइज है वो प्रॉपर नहीं आ पाता। तो अच्छे साइज़ के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, बोरॉन की डिफिशियंसी अगर आपके यहाँ है तो भी दिक्कत हो सकती है कि आपका फ्रूट अच्छी क्वालिटी का नहीं है। यस्टरडे हमने यहाँ से पिकिंग की थी, आपको वीडियो भी डाला था मैंने, स्टार्ट पिकिंग इन 42 डेज का प्लेटफॉर्म हो गया है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फ्रूट्स की सेटिंग हो चुकी है। शुरू में एक दो पिकिंग जो होती है वो बहुत डोमिनल होती है, बट उसके बाद इसका जो हिल्ड है वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि रेडी फ्रूट आपको दिख रहे हैं आज से 2 दिन बाद, इनको हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं अल्टीमेटली। सो हमें क्वालिटी इन्हेंस करने पर भी ध्यान रखना होगा, एंड फॉर दैट हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ख़ासतौर पर एक फ्रूट फ्लाई की ट्रेप लगे और दूसरा बोरॉन की डिफिशियंसी ना हो। दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ से 35 डेज़ के बाद हमें इन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अब मैंने आपको बता दिया अगर फ्रूट की क्वालिटी चाहिए तो फ्रूट पूरे साइज में होना चाहिए और एक जैसा सिमिलर दिखना चाहिए। अगर वो सिमिलर नहीं दिखेगा तो जो कस्टमर है, जो ब्रोकर है, वो उसे नहीं खरीदेंगे बट कम भाव में खरीदेंगे। सो सी, देयर इज अ ट्रेप जो कि फ्रूट फ्लाई देख रहे हैं। तो इस तरह की जो फ्रूट फ्लाई की ट्रेप होती है इसमें जो है फ्लाई आती है, इसकी खुशबू से अंदर चॉकलेट रहती है, इसकी खुशबू से एक तरह का केमिकल होता है जो फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और ये येलो जो ट्रैप है इसका कलर येलो इसलिए है कि येलो चीज़ों पर जो है पेस्ट ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे कि फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो हमें ढेर सारे जो है इंसेक्ट देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द येलो कलर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि हम प्रायर पहले ही एडवांस में इसकी तैयारी करके रखें। हमारी क्रॉप अगर 30 दिन के आसपास हो चुकी है तो हम ट्रैप्स लगा दें ताकि होगा ये कि जो भी फ्रूट फ्लाई है जो ट्रेवल कर रही है, जो हमारे फ्रूट को डिस्टर्ब करेगी, उसको हम पहले ही कवर अप कर लें। सी, यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ हमें नीचे कम देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया था कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का हमने इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से स्कॉर्चिंग भी हुई थी और ग्रोथ भी अल्टीमेटली थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, बट नियर टाइम 2-4 डेज ये भी अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। सी, सो इट्स वेरी, अभी तक का जो एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊं तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा फर्स्ट ईयर है और जो वीडियो भी डाल रहा हूँ ये भी मेरा फर्स्ट ईयर ही आप समझ लें, क्योंकि इतना एक्सपर्टीज नहीं हूँ मैं कैसे एडिट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है। मैं तो जो भी रियल जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लेबर है हमारी,
आपने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रांचेस होती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है, तो ये ब्रांचेस को ऊपर थ्रेड में पेस्ट कर रहे हैं। देयर इज अ वेरी गुड कंडीशन राइट नाउ। तो कल हमने यहाँ से पीकिंग की और हमारा जो अगली पीकिंग के लिए जो फ्रूट है वो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हमारी जो प्लानिंग है, नेक्स्ट प्लानिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप स्टे रहें, ट्यून्ड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो रियलिटी में मैं आपको बता दूं, मैनी पीपल, मतलब शायद मेरे कॉलीग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तो यूट्यूब वीडियो बनाने लगा, इसका पर्पस है कमाने का, इससे कमाएंगे। मुझे नहीं लगता इतना आसान है कि कोई बंदा इनिशियली लेवल पर यूट्यूब से पैसे कमा ले, वो क्योंकि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बहुत कम हैं दुनिया में, जो असलियत वो कोई नहीं बताना चाहता। और मैं भी आपको असलियत ही बताने के लिए आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ये चैनल इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि लोग जो उनके थंबनेल होते हैं उनमें बिल्कुल 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ इस तरह की थंबनेल्स रखते हैं, और बड़े बड़े प्लॉट विजिट कराते हैं जो 100 एकड़ में हो, 50 एकड़ में हो। और हम, मैं एक छोटा फार्मर हूँ, हमारे पास 2-2.5 बीघा में हमने लगा के रखी है खीरा, तो मुझे नहीं लगता इतनी पॉपुलर होगी चैनल। और मैं तो रियलिटी बताना चाहता हूँ, मेरा पर्पस है कि आप जानें क्या रियलिटी है। देखो, किसानों के पास तो एक पहले ही लेखने से ढेर सारी चीज़ों की कमी है। जब भी मार्केट में जाते हैं किसी चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, है ना, और हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसका दाम जो है जेन्युइन दाम नहीं मिल पाता जो हम टारगेट करके रखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये खीरा की फसल हो गई, डॉलर चना हो गया, हमारे वेस्ट निमार में डॉलर चने का जो है उत्पादन अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है, और मंडी रेट भी उसके ठीक ही है, मतलब बहुत अच्छे मंडी रेट है, जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम जो है अर्न कर सकते हैं। सो लेट अस सी क्या कुछ उत्पादन ले पाएंगे, क्या कुछ देख पाएंगे, आपको पूरा इन डिटेल में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर आपको चैनल पसंद है, रियलिटी आप सुनना चाहते हो, रियलिटी में जो भी बताऊंगा आपको, मैं हर एक कंपनी के प्रोडक्ट को जो है बिल्कुल ऑपरेट करके बताऊंगा आपको, पूरी तरह से डिटेल करके, ताकि आप नेक्स्ट कस्टमर बने या नहीं बने ये डिसीजन आप ले पाएँ उस प्रोडक्ट के। तो हमने यहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है और करेंगे भी, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे दिल की गहराई से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप वीडियो देख रहे हैं। और कोशिश करें आप कि अगर आप जानना चाहते हैं रियलिटी आउटसाइड द बॉक्स, मतलब वास्तव में इसमें कमाई होती या नहीं होती, इस तरह की रियलिटी आप जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको रियलिटी बताऊँगा, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।